हरी ओम, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए। आज क्या है, कोरल ड्रॉ में एक टाइपोग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी देखो, ये जो टेक्स्ट मैंने टाइप करके रखा है, इसको अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बोल्ड फॉन्ट कर लेता हूँ। सो बोल्ड फॉन्ट लेने के बाद अभी इसको मुझे क्या करना है, बिट मैप में कन्वर्ट करना है, यानी एक बिट मैप इफेक्ट को मुझे देना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसको बिट मैप में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे अभी बिट मैप में आके कन्वर्ट टू बिट मैप करके हैं। सो इसमें देखो अभी ये क्या है, सी एम ए क्या है और रेजोल्यूशन 300 है। अभी इसको क्या है, एक ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ। और इधर एंटी लैस को एक्टिव रखा है, इसको ओके बोलता हूँ। सो अभी ये क्या हुआ है, बिट मैप हुआ है। सो बिट मैप करने के बाद अभी इसको क्या है, सिलेक्ट रखते हुए इधर इफेक्ट में आता हूँ। इफेक्ट में आके आपको क्या करना है, डिस्टॉर्ट में आना है। इसमें वेट पेंट करके यहाँ पर आता हूँ। सो देखो अभी ये ऐसा आ गया। सो इसमें क्या है, आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा करके आप चेक कर लेना। अभी के लिए इसको क्या है, मैक्सिमम रखा है मैंने। अभी इसको ओके बोल देता हूँ। अभी इसका जो कलर मोड है, ये ब्लैक एंड वाइट में है। अभी देखो इसको मुझे क्या करना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए इसको सिलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर बिट मैप में आता हूँ। बिट मैप में क्या है, आउटलाइन ट्रेस करके है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइन आर्ट करके है, इसको क्लिक करता हूँ मैं। सो अभी इधर आपको क्या है, प्रीव्यू बताएगा। सो अभी इसमें जो डिटेल्स है, इसको आप थोड़ा इंक्रीज़ करके चेक कर लेना। अभी के लिए इसको क्या है, फुल रखता हूँ मैं। सो अभी इधर आपको क्या है, रिमूव बैकग्राउंड कलर करके है। सो इसको यहाँ पे क्लिक करके कलर फ्रॉम एंटायर इमेज करके है, इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करके इसको ओके बोल देता हूँ। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हुआ है, और ये क्या है, एक वैक्टर में आया है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो अभी ये क्या है, वैक्टर में है। तो इसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी इसमें देखो एक शेड देता हूँ मैं, इसको येलो में थोड़ी देर तक होल्ड करके एक गोल्डन येलो देता हूँ। अभी इसी तरह क्या है, इसको और एक कॉपी करके इसमें क्या है, एक इमेज को इंसर्ट करता हूँ। तो उसके लिए क्या है, इधर माउस राइट क्लिक करके इम्पोर्ट करता हूँ। इम्पोर्ट करके अभी क्या है, इस इमेज को लेता हूँ मैं। इसको क्लिक करके इसे ड्रैग किया मैंने। अभी देखो इस इमेज को इसमें इंसर्ट करना है मुझे। तो उसके लिए माउस राइट क्लिक से इसे होल्ड करके लेके आता हूँ। जैसे ही इसके अंदर आने के बाद क्लिक को छोड़ देता हूँ। अभी इधर क्या है, पावर क्लिप इंसर्ट करके है। तो देखो अभी टेक्स्ट क्या है, इसके अंदर आ गया। अभी इसको एडिट करना है तो कंट्रोल को होल्ड करते हुए अंदर की तरफ क्लिक करना है। तो आप इसको, आपको जो पोर्शन आपको चाहिए उस पोर्शन पर आप इधर सेट कर सकते हैं। अभी कंट्रोल को होल्ड करते हुए बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ। तो ये फिनिश हो गया। अभी इसको मुझे क्या करना है, फोटो पेंट में लेके जाके इसको एक इफेक्ट देना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कन्वर्ट टू बिट मैप कर लेता हूँ। बिट मैप में आना है, कन्वर्ट टू बिट मैप करता हूँ, यानी एक इमेज बन जाएगा ये। सो अभी इसको रेजोल्यूशन 300 रखा है। ये जो ब्लैक एंड वाइट है, इसको आप RGB या CMYK कर सकते हैं। अभी के लिए इधर RGB रखा है। एंटी लैस और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को एक्टिव रखा है मैंने। अभी इसको ओके बोल देता हूँ। तो ये क्या हुआ है, बिट मैप में कन्वर्ट हुआ है। इसी तरह इसको भी क्या है, बिट मैप कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू बिट मैप किया मैंने, इसको भी ओके बोल देता हूँ। अभी इसको क्या है, डबल क्लिक करता हूँ। ये डबल क्लिक करने से क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को क्या है, फोटो पेंट को लेके जाएगा ये। सो अभी देखो ये फोटो पेंट ओपन हुआ है। सो अभी यहाँ पे क्या है, इसको इफेक्ट में आता हूँ। इफेक्ट में आके इधर टेक्सचर करके है, इसमें आके प्लास्टिक करके यहाँ पर आता हूँ। तो देखो अभी ऐसा आ गया। इसमें क्या है, आप इसको हाईलाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो डेप्थ है इसको इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। और इसमें क्या है, स्मूथनेस है, इसको स्मूथ आपको जितना चाहिए वैसे आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं। सो इतना लेके अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ओके बोल देता हूँ। अभी देखो इसको क्या है, फोटो पेंट को क्लोज करता हूँ मैं। क्लोज करने के बाद सेव चेंजेस टू बिट मैप करके है, इसको यस बोलता हूँ। सो अभी देखो ये क्या है, यहाँ पर वो इफेक्ट सेव हुआ है। अभी इसी तरह क्या है, इसको भी डबल क्लिक करता हूँ। अभी इसके लिए क्या है, थोड़ा टेक्सचर अलग देता हूँ मैं। अभी देखो ये फोटो पेंट ओपन हुआ है। सो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इधर पहले इफेक्ट में आता हूँ। इफेक्ट में आके आपको क्या करना है, इधर कस्टम में बम्प मैप करके है, यहाँ पे आता हूँ। सो इसमें आके इसमें देखो अलग अलग पैटर्न्स है, आप कौन सा भी आप दे सकते हैं। सो अभी के लिए इसी को रखता हूँ मैं, और इसका साइज़ भी आप इधर चेंज कर सकते हैं। अभी ओके बोल देता हूँ मैं। अभी इसको आपको क्या करना है, फिर से इफेक्ट में आके इधर टेक्सचर में आता हूँ। आके इधर क्या है, प्लास्टिक करके है, इसमें आता हूँ। तो देखो अभी ऐसा आ गया। इधर हाईलाइट में चेंजेस करके आप एक बार चेक कर लेना। और इधर क्या है, डेप्थ भी है,
इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये गोल्डन इफेक्ट आपको लग रहा है, और इसको स्मूथ भी आप कर सकते हैं। सो देखो अभी, सो अभी इसको ओके बोल देता हूँ मैं। सो अभी इस फोटो पेंट को क्लोज करो आप और यस बोल देना है। तो देखो इधर कोरल ड्रॉ में आ गया है। सो इस तरह क्या है, आप कोरल ड्रॉ में एक टाइपोग्राफी का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।